Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में. एक बहुत जनरल क्वेश्चन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, जो कि अक्सर पूछते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में होने वाले चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे. सबसे पहली चीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम कहें तो दो जॉइंट्स के बीच में, वहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जॉइंट्स वीक हो, मतलब घिस जाते हैं. सरल भाषा में कहें वहाँ पर कार्टिलेजेस जो होती हैं वहाँ पर डैमेज हो जाती है या घिस जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन, गर्म होना और रेडनेस, स्वेलिंग, ये एक सामान्य जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं. अब एक मेन क्वेश्चन, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है. तो ऑब्वियसली अगर कोई आपका बॉडी का पार्ट अगर घिस गया है, ठीक है, और बोन स्पेशली अगर घिस गई है, तो बोन हमारे शरीर का एक ऐसा मतलब टिश्यू है जो कि रिपेयरेबल नहीं होता है. मतलब उसे ठीक करना, अगर उसमें ऑर्गेनिक चेंजेस आ गए तो वो पर्टिकुलर वैसा ही रहता है, उसे हम पहले जैसा नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन हम कुछ सामान्य जो हमारी हैबिट होती है, अगर आपको घुटने का दर्द होता है, हिप जॉइंट होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम जनरल मैनेजमेंट कहते हैं, और मेडिकेशन होती है जिसके द्वारा हम हमारी लाइफ को पेनलेस तरीके से, और अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको है तो आप खूब अच्छे फ्रूट्स, फल, सब्जी और दूध वाले प्रोडक्ट्स आप अच्छी मात्रा में लें. अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जैसे घुटने, और अगर हम देखें हिप जॉइंट, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो उस वाली कंडीशन में आप आलती पालती मारकर ना बैठें, किसी चेयर पर बैठें, और जो टॉयलेट होती है वो भी, जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होती है वो आप यूज़ कीजिए, ठीक है. तो ये कुछ एक जनरल मैनेजमेंट टिप्स होती हैं, और साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिकेशंस जैसे कैल्केरिया काब हो गई, रस्टॉक्स हो गई, ठीक है, पेन रिलीविंग मेडिकेशन मैकफोस हो गई, है ना, ये हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली. और काफ़ी सारी मेडिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द कॉज, वो हम स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस को, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसके जॉइंट्स को हम पहले जैसा नहीं कर सकते, इसको हम सिम्टोमेटिकली हम इसके कम कर सकते हैं, यानी पेन, स्वेलिंग, दर्द और जो भी आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है उसे हम कम कर सकते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वज़न भी आप कम करें, ठीक है. तो ये कुछ मैनेजमेंट होते हैं, जनरल मैनेजमेंट होते हैं, जिसके अंदर हम आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द में स्पेशली हम अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो ये था मेरा व्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्या रिवर्स कर सकते हैं. होप सो आपको पसंद आया होगा. तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद.